हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 21 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप हमारे कोर्स के बारे में अवश्य जानते होंगे, उसके स्पेक्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप कृपया देखें और पूरे उत्साह के साथ इनरोल करें और सफलता पाएँ। नंबर 1, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। दोस्तों, यह योजना शुरुआत की है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने। इसके तहत जो भी राशन है घर घर पहुंचाए जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में तो ई कॉमर्स का सुविधा है, तो डिलीवरी आसानी से डोर तक हो जाती है। बट कोरोना वायरस के टाइम में अगर कोई राज्य इस तरह पहुंचा रहा है तो यह काफ़ी सराहनीय कदम है। अन्य राज्य सरकार को भी इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, द एंड गेम, यह पुस्तक किसने लिखा है। तो भारत के सबसे बड़े राइटरों में से एक एस हुसैन जैदी। इन्होंने इसे पहले भी कुछ किताबें लिखा है, जैसे कि दाऊद मेंटर्स। तो दाऊद मेंटर्स से इन्होंने लिखा था। इनका बेसिकली जो किताब होता है वह पॉलिटिक्स, बिट्रायल और टेरर, इन तीनों के बीच घूमता है। तो द एंड गेम यह एक मूवी भी है, उसी के नाम पे इन्होंने बुक लिखा है, एस हुसैन जैदी। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल कॉल्ड। दोस्तों, यह जो एंटी गाइडेड मिसाइल है इसका नाम है हेलिना। हेलिना बेसिकली इसका मतलब होता है हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग। तो जितने भी टैंक होते हैं तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ताकि ये टैंक को मार गिराते हैं। ओके, फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आप इसका मतलब समझ गए होंगे। तो यह जो ध्रुवास्त्र है यह हेलिना का एक तरह से वेरियंट है। तो इसे चाइना को सबक सिखाने के लिए बॉर्डर पे लगाया जाएगा, LAC पे। मूविंग ऑन, साउथ कोरिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड। इससे पहले भी साउथ कोरिया ने NSS-1 सैटेलाइट लॉन्च कर रखा था, बट वह मिलिट्री पर्पज़ के लिए नहीं था। तो अब मिलिट्री पर्पज़ के लिए आया है NSS-2। होप आपको पता ही है UAE द्वारा मार्स पे प्रोब के लिए है। परजीवरेंस US की तरफ से है और टियानवेन चाइना की तरफ से है। और यह NSS हो गया साउथ कोरिया की तरफ से। एक अमेजोनिया ब्राज़ील का था, जिसको कि इसरो ने छोड़ा था, ताकि अमेजोन फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है या आग कैसे लग जाती है उस पर नज़र रख सके। और UAE ने जापान की मदद से यह मिसाइल अपना मार्स पे छोड़ा है। दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न पे। करूर वैश्य बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर देखते हैं। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर ही करूर है, और जो करूर है यह तमिलनाडु में है। इसके MD एंड CEO बने हैं रमेश बड्डू। कुछ दिनों पहले श्याम श्रीनिवासन MD एंड CEO बने थे फेडरल बैंक के। फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर एलुवा केरला में है, यह एक प्राइवेट बैंक है, जबकि करूर वैश्य बैंक स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है। अश्विनी कुमार बने हैं MD एंड CEO SBI कार्ड के, और PC कांडपाल बने हैं MD एंड CEO SBI इंश्योरेंस के। मूविंग ऑन, द DRDO प्रोवाइडेड ड्रोन्स टू इंडियन आर्मी फॉर एक्यूरेट सर्वेलियंस नेम्ड। दोस्तों, DRDO ने भारत को अपना ड्रोन दिया है, ताकि सर्वेलियंस होता है वो काफ़ी एक्यूरेटली हो सके। इसका नाम रखा गया है भारत, ऑप्शन C। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसको रिप्लेस किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से, और यह लागू हो गया जुलाई 20, 2020। तो आप याद रखना 20, 20, 20, ठीक है। दोस्तों, ऐसा क्या है इसमें, ई कॉमर्स जितने भी कंपनियां हैं, अब वह जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उनको हर एक प्रोडक्ट पर यह दर्शाना होगा कि वह कहाँ बनी है, मीन्स मेड ऑफ, किस देश में बनी है, मेड ऑफ ओरिजिन, उनका ओरिजिनेशन कहाँ, किस देश में हुआ है, ये बताने के लिए, ताकि पता चल पाए कि वो चाइनीज तो नहीं है, वगैरह वगैरह। मूविंग ऑन, हु हैज़ वॉन गोल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। यह प्राइज जीती है ग्रेटा थनबर्ग ने, और यह प्राइज मनी जिसमें कि 1 मिलियन यूरो था, इन्होंने अलग अलग चीज़ों में डोनेट भी कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं इनके रिसेंट ट्वीट में इन्होंने भारत और बांग्लादेश के हवाले को बताया है कि यहाँ पे बाढ़ काफ़ी ज़्यादा है और क्लाइमेट क्राइसिस का भी इन्फ्लुएंस है। तो इन्होंने यह प्राइस गूंज, एक्शन एड इंडिया और PRSC जैसे NGO को दे दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C।
और ऊपर किए दोनों इनको मिला है मंडेला प्राइज, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप उसको जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज बिगन ऑफरिंग ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया। दोस्तों आपको बता दें, भारत में लगभग 50% गाड़ियों का कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो एक बड़ा मार्केट खाली है। कारण यह है कि जितने भी अभी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, या तो इनकॉम्पिटेंट है, या उनके प्राइसिंग बहुत ही गंदे हैं, या पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा है, तरह तरह के कारण हैं। इसको ख़त्म करने के लिए भारत में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है एको। तो एको के साथ मिल गया है अमेजॉन, और 2 मिनट में सारा इंश्योरेंस फटाफट हो जाता है। तो यह काफ़ी अच्छा मार्केट था, और अमेजॉन के आने से अब इसमें काफ़ी लोग अपना इंश्योरेंस गाड़ियों की करवाएंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। इंडियन नेवल शिप्स कंडक्ट पैसेज एक्सरसाइज विद US नेवी। तो सही बात है, जब भी कोई नेवी किसी दूसरे देश में जाती है, तो जब वापस जाने लगती है, तो भारत की जो नेवी होती है उन्हें एक सैल्यूट देते हैं, उसको बेसिकली पैसेज एक्सरसाइज बोलते हैं। या अन्य देश जैसे UK या कहीं और के भी, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की भी नेवी आती है, तो उनको ऐसा मिलता है। तो US नेवी के साथ अभी ऐसा हुआ, उनको पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया भारत की नेवी ने, और यह हुआ इंडियन ओशियन में। दोस्तों यह थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारे कोर्स में आप जरूर इनरोल हो और स्ट्रीमलाइंड कंटेंट का आनंद ले। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।